हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन। तो मेरे साथ यहाँ पे हैं शुभम अग्रवाल, जो अभी अभी 2023 में आईआईटी पटना में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक के लिए दाखिला लिया हुआ है। इंडिया में हर कोई चाहता है कि जो आईआईटी से की तैयारी कर रहे हैं वो आईआईटी पहुँचे, वहाँ से बीटेक करें, लेकिन हर कोई पहुँच नहीं पाता है। वो क्यों, क्या कारण इसके पीछे होते हैं, क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो सब चीज आपको जानने मिलेगा शुभम अग्रवाल से, जो मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हैं बेसिकली छत्तीसगढ़ के एक जिले शक्ति, जो रायगढ़ के पास है, जहाँ से इन्होंने अपनी पूरी आईआईटी तक के पहुँचने की जर्नी स्टार्ट की। तो आप यहाँ से मिल सकते हैं शुभम अग्रवाल। हाय एवरीवन, मैं शुभम अग्रवाल। मैंने अभी आईआईटी पटना में, जैसे सर ने बताया कि मैंने आईआईटी पटना में एडमिशन लिया है, तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी शक्ति जगह से, शक्ति डिस्ट्रिक्ट से। मैंने वहाँ 9-10 तक की स्कूलिंग अपनी की थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने 9-10 में था मैं, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वो 9-10 के ज्यूरिंग में ही जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स एक्चुअली बाइफरकेट होता है, तो उसे पढ़ते पढ़ते मुझे ये ध्यान आया कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट है फिजिक्स में और मैथ्स में, मतलब टेक्निकल चीज़ों में। तो वहाँ से मेरा इंजीनियरिंग के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद मैंने जहाँ पता किया कि इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट जगह से करो तो ही मतलब है, और बेस्ट मतलब आईआईटी, सबको पता है ये। तो मैंने फिर वहीं से उसका आगे की मैंने अपनी जर्नी शुरू की। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो पढ़ाई की है 10th तक शक्ति जिले से की है, उसके बाद का जो सफर था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप आईआईटी तक पहुंच पाओ। तो वो स्ट्रेटेजी एक बार आप बताइए हमारे उन सारे स्टूडेंट को जो हमारे साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत काम आएगा। तो स्ट्रेटेजी बस ऐसी है कि आपको मेहनत करनी है, एक प्रॉपर लाइन में आपको मेहनत करनी है। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है गाइडेंस। आप एक प्रॉपर किसी की गाइडेंस लें और उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें। जैसे अब आप अलग अलग जगह अपना दिमाग लगाएंगे कि थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, तो उसमें आपका ना दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप, हाँ, आपका फोकस है कि आपको ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, इस टास्क में आप कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल वो आपको हासिल ज़रूर होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये गलतियाँ की हैं। मैंने भी अपने बहुत जगह मैं अलग अलग जगह मैं इंगेज रहता था, मतलब एक टाइप फोकस नहीं था, तो जिससे मैंने बहुत पछताया। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक प्रॉपर लाइन में एक जगह फोकस करना चाहिए। इसका मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक छत के नीचे तैयारी होनी चाहिए, या फिर अलग अलग जगह पे जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा, ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। इसमें आपने क्या किया था अपनी जर्नी में? देखिए, मैंने दोनों चीज़ की है तो मैं इसको प्रॉपर बता पाऊँगा। जो 12th के ड्यूरिंग मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तो मैं पढ़ता था अलग अलग जगह से। जैसे आज मेरे को किसी ने बोल दिया कि ये यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, यहाँ आगे अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाते हैं, तो मैंने वैसे पढ़ा था, जिसका मेरे को रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिला। मतलब मेरे पूरा वो ईयर मेरे को वेस्ट लगा लास्ट में, कि हाँ मैंने क्या कर दिया। फिर जब मैंने ड्रॉप ईयर में एक जगह पे तीनों चीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों जगह एक साथ पढ़ाई की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर तीनों जगह एक तीनों चीज़ एक जगह कर रहे हैं तो हर चीज़ का एक प्रॉपर ट्रैक रहता है हमारे पास, कि हमारा इस चीज़ में कितना डेवलपमेंट हुआ, इस टॉपिक में कितना डेवलपमेंट हुआ, इस टॉपिक में कितना डेवलपमेंट हुआ। वो एक कोई पर्सन जो टीम होती है बेसिकली। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि आपने ड्रॉप लिया हुआ है, इसका मतलब कि अच्छे रैंक नहीं आए थे 12th में, जेई मेन में क्या परसेंटाइल था, उसके बाद आपने क्या सोचा, क्योंकि कंफर्म इनका परसेंटाइल कुछ खास नहीं रहा होगा शायद, तभी इन्होंने ड्रॉप लिया है। तो ड्रॉप तक का जो सफर है, उससे फिर आईआईटी क्रैक करने का सफर, एक बार उनको बताएंगे कि आपके क्या परसेंटाइल थे, किस तरीके से आपने मार्क लाए हैं जेई में, जेई मेन में और एडवांस में। तो मेरी परसेंटाइल कुछ ऐसी थी, 12th में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरी जेई मेंस में 92% आई थी, जो कि आप सबको पता है कि अच्छी परसेंटाइल नहीं है, जस्ट कट ऑफ क्लियर होता है वो। और वैसे ही मेरी एडवांस में अराउंड 25,000 रैंक थी। हालांकि मैं क्वालिफाइड दोनों में था, बट इससे मुझे कोई अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे, तो मेरा मन था कि हाँ, एक ट्राई मैं और करूँ और जो मैंने गलतियाँ की हैं वो ना दोहराऊँ। तो उसी बीच फिर मुझे यहाँ
जो अमित सर हैं फिजिकल केमिस्ट्री की जो टीचर और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं लर्निंग जोन के, उनका मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि जो मेरी पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने 12th में यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग ली थी, तो उन्होंने मेरी पोटेंशियल जो टेस्ट में मैं स्कोर करता था वो उन्होंने देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम्हारे जो पोटेंशियल है तुम उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया है, तो तुम एक काम करो, ऑनलाइन चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती, ऑफलाइन आओ और यहाँ पे प्रॉपर हमारी टीम के साथ मेहनत करो तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। जिसका मुझे रिजल्ट मिला, मेरी इस साल ड्रॉप ईयर में जो मेरी परसेंटाइल थी वो थी 99.14% फर्स्ट अटेम्प्ट में और 99.34% सेकेंड अटेम्प्ट में, और जो जेई एडवांस में मेरी रैंक थी वो थी 4600, जिसे मुझे IIT पटना का AI आराम से मिल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने जो सफ़र किया है वो ड्रॉप लेके किया है। ऐसा नहीं कि कई लोग 12th में ही निकाल लेते हैं करेंट ईयर में ही, लेकिन कई लोग ड्रॉप लेते हैं। अब जैसे जब ये तैयारी कर रहे थे अपने क्लास 11th में 12th में, तो उस समय कोविड चल रहा था पूरी दुनिया में, और उस टाइम पे जो पढ़ाई होती थी वो ऑनलाइन होती थी। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे भी वही सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन एक ऑफलाइन का जो माहौल होता है, जो कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि अब तो कोविड है नहीं, ऑनलाइन तो एक ऑप्शन था जब कोविड था, अब ऑफलाइन का ज़माना फिर से वापस आ चुका है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो इन्होंने जब ड्रॉप लिया तो ऑफलाइन कोचिंग जो है, कि जैसे कि डायरेक्टर सर जो लर्निंग जोन के हैं, ये पहले IIT जोन जहाँ पे इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्लास की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो सर का गाइडेंस था जिससे कि आपको ये रैंक अचीव आप कर पाए? सर की बहुत बड़ा रोल था मेरे को ये IIT दिलाने में। जैसे आप सबको मैंने बताया कि मेरी 12th में अच्छी रैंक नहीं थी जो कि ये ड्रॉप में आई, तो जब मैं एडवांस का रिजल्ट आया उसके मैं कुछ एक हफ्ते भी नहीं रुका था मैंने, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मैं भिलाई आ गया था कि नहीं, मेरे को अब यहाँ पे सर ने मुझे बुलाया है, ऐसा बुलाया है और मुझे भी ड्रॉप लेना तो मेरा कन्फर्म था। तो मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ ज्वाइन किया, उस टाइम ये IIT मेडिकल जोन नाम से चलता था, सर की कोचिंग थी, तो वहाँ मैंने सर की टीम के साथ बहुत मेहनत की। सर ने प्रॉपर गाइड किया कि कहाँ से क्या मटेरियल फॉलो करना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेने हैं कि नहीं लेने हैं, ये सब सर की गाइडेंस थी। तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में अमित मिश्रा सर ने मेरे को पढ़ाया था, फिजिक्स में KT सर ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था, धर्मेंद्र सागर सर जो यहाँ है वो भी डायरेक्टर हैं लर्निंग जोन के, उन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था। बाकी यहाँ के टेस्ट सीरीज़ मैंने रेगुलरली फॉलो की, मैं कोई टेस्ट मिस नहीं करता था, मैं यहाँ के टेस्ट कंटिन्यू देता था, वो भी अच्छे से मेरा मतलब स्कोर आते थे। तो स्टार्टिंग में मेरे स्कोर हालांकि नहीं आते थे उतने अच्छे, बट जैसे जैसे मैं सर लोगों की गाइडेंस को फॉलो करता गया मेरी परफॉर्मेंस डे बाई डे इंप्रूव होती गई, जिसका रिजल्ट है कि आज मैं IIT में हूँ। तो इनका कहना ये है कि जैसा जब यहाँ पे अमित सर और कामेंद्र त्यागी सर से ये पढ़े, तो टेस्ट सीरीज लगाते गए, उनके गाइडेंस पे चलते गए, तो स्टार्टिंग में नंबर नहीं आ रहे थे, ठीक है, वो हर किसी के साथ होता है, तो उसमें अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। शुभम अग्रवाल का यही कहना है, जो हमारा बच्चा है यहाँ पे स्टूडेंट है, पढ़ा है हमसे, और हमें बहुत खुशी है कि वो आज IIT पटना में बीटेक कर रहा है, और हम चाहेंगे कि उसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट रहे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी हमको बतानी थी कि कैसे एक स्ट्रेटेजी होती है एक छोटे से गांव से, एक छोटे से जिले से आए हुए एक स्टूडेंट की भिलाई तक का सफर, फिर भिलाई से IIT पटना तक का सफर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।